अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, ये है हमारा आठवां लेशन, हमारा आठवां चैप्टर जिसका नाम है दोहा अष्टक। अब इसमें हमें कबीर, तुलसीदास और रहीम इनके दोहे हमें पढ़ने के लिए यहाँ पे दिए हुए हैं। अब इसमें क्या है वो हम देखेंगे। दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। निधि का मतलब होता है खजाना, यानी दोहे जो है वो हिंदी भाषा जो साहित्य है, जो हमारी बुक्स वगैरह होती है, जो लिखी हुई होती है, उसको साहित्य बोलते हैं। तो हिंदी भाषा के जो साहित्य है उसकी अनमोल निधि है। दोहे व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति, रीति आदि से परिचित कराते हैं। यानी दोहे जो है वो हमारे जीवन की कठिन चीज़ों को और हमारे जीवन का जो व्यवहार है वो कैसा सरल और सहज होना चाहिए और किस तरीके से हमारे ज़िंदगी में लोग अपना जीवन व्यापित कर रहे हैं उसके बारे में हमें बताया जाता है बहुत ही सरल और सहज रूप से। प्रस्तुत इकाई में कबीर, तुलसीदास और रहीम के चुने गए ऐसे ही दोहे संकलित है। प्रस्तुत इकाई यानी यह जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर रहीम, कबीर और तुलसीदास के चुने हुए कुछ दोहे हमें यहाँ पे पढ़ने के लिए बताए हैं। अब जो कबीर का दोहा है उसमें हमें क्या पढ़ने के लिए मिलेगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। कबीर यह 15वीं शताब्दी के कवि है, ये बड़े संत थे, यानी वो कवि भी है और संत भी है। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। यानी कबीर जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों को अपनी जो गलतियां हैं उस पर उन्होंने फटकारा है यानी उन्हें सीख दिए, पाठ पढ़ाया है और दोनों को हिल मिलकर यानी परस्पर प्रेम भाव से रहने के उपदेश दिए हैं। अब है हमारे दूसरे कवि तुलसीदास। ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है। तुलसीदास कवि तो है पर कैसे है राम भक्त कवि। राम भक्त कवि से हमें मालूम होता है कि इन्होंने उनके दोहे में ज़्यादातर भगवान राम की जो है वो प्रतिष्ठा का गुणगान गाया है। उन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। देखिए, उन्होंने रामचरितमानस यानी पूरे राम के चरित्र पे एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। अब रहीम, इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। कैसे थे वो? उदार और अनुभवी। ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो कवि और साहित्यकार जो होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है और हर एक नॉलेजेबल जो इंसान होता है वो काफ़ी उदार और अनुभवी इंसान माना जाता है। हमें भी बुक्स वगैरह पढ़ने से काफ़ी अनुभव प्राप्त होता है और हम भी हमारे जीवन को सरलता से व्यापक कर सकते हैं। हिंदी में इन्होंने बहुत से सुंदर दोहे लिखे हैं। रहीम जी ने हिंदी भाषा के अंदर बहुत से सुंदर दोहे लिखे। अब आगे हम पढ़ेंगे। दोहा एक छोटा सा छंद है। दोहा क्या है? एक छोटा सा छंद। हिंदी में कई पुराने कवियों ने इस छंद में कविताएं लिखी है। एक जो ये जो छंद है इसमें काफ़ी हिंदी कवियों ने, जैसे अभी हमने देखा कबीर, तुलसीदास और रहीम, उन्होंने क्या कविताएं लिखी है। दोहा अष्टक में 8 दोहे दिए गए। अष्टक का मतलब ही होता है कि 8, ये संस्कृत शब्द है अष्टक यानी 8। इनमें 3 कबीर के, 2 तुलसीदास के और 3 रहीम के दोहे हैं। इन दोहे से हमें तरह तरह की व्यवहारिक शिक्षा मिलती है। हमें व्यवहारिक शिक्षा यानी हमें व्यवहार में किस तरीके से हमारा जीवन व्यापन करना चाहिए इसका हमें जो है नॉलेज और इस तरीके से मिलता है बहुत ही सरल भाषा में। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो कबीर के 3 दोहे हैं वह पढ़ेंगे।
बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, यानी बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। खजूर का पेड़ जो है वह बहुत ही बड़ा होता है, पर ये बड़ा होने से ही कोई महत्व नहीं है। पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, यानी पंथी यानी यात्री को छाया नहीं मिलती बड़ा होने के कारण, लंबा होने के कारण। पंथी यानी जो राही होते हैं, मुसाफरी होते हैं, वो जो अगर उसके नीचे बैठे तो उन्हें छाया बिल्कुल भी नहीं मिलती, क्योंकि उसका जो लेंथ है वो बहुत बड़ा होता है। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़ा होने से ही कोई महत्वपूर्ण नहीं हो जाता, यानी बड़ा होने से क्या कोई भी महत्वपूर्ण नहीं हो जाता। खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है पर उससे मुसाफिर को छाया नहीं मिलती, और उसके फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। उसके फल जो है वो बहुत ही ऊंचाई पर लगते हैं, वे फल सरलता से प्राप्त भी नहीं हो सकते। इसलिए ये जो है बड़ा होने, यहाँ पे समझाया गया है कि बड़ा होने से ही सिर्फ महत्व नहीं है, जो अगर वो हमारे काम ही ना आ सके तो उसका बड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे जो पंथी वर्ड है उसका मीनिंग होता है राही, मुसाफिर या यात्री, अ ट्रैवलर, और अति का मतलब होता है बहुत। अब हम दूसरा देखेंगे। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। यानी इसमें क्या बताया गया है हमें कि साधु पुरुष सूप जैसे स्वभाव का होना चाहिए। कैसे स्वभाव का? सूप जैसे। अब यहाँ पे सूप क्या है, शायद आपने देखा होगा कि अनाज साफ करने का एक साधन आता है, जिसको बार बार उसमें अनाज डाल के उसको उड़ाने से उसका जो कचरा है वो बाहर की तरफ गिरता है और अनाज जो है वो अच्छे से हमारे सूप के अंदर रह जाता है। तो अनाज साफ करने का एक साधन है जिसे बोलते हैं सूप। सूप जैसा स्वभाव होना चाहिए, साधु कैसा चाहिए सूप जैसे स्वभाव का। सार सार को गही रहे, यानी सार जो है तत्व, असली वस्तु जो है उसको वो अपने अंदर रखे, थोथा दे उड़ाए। थोते का मतलब होता है कचरा, निष्काम, जो अपने को जो काम नहीं आने वाली ऐसी चीज़ों को वो बाहर फेंकता है, यानी यूजलेस चीज़ों को बाहर निकालता है। तो इसमें हमें क्या बताया गया है, साधु पुरुष सूप जैसे स्वभाव का होना चाहिए। मैंने आपको बताया सूप एक साधन है जो अनाज साफ करता है, अनाज उसमें अंदर रहता है और कचरा बाहर। सूप अनाज को अपने अंदर रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। तो साधु पुरुष को भी तत्व की बातें ग्रहण कर व्यर्थ की बातें छोड़ देनी चाहिए। तत्व की बातें यानी अच्छी बातें ग्रहण करनी चाहिए और जो व्यर्थ बातें हैं वो छोड़ देनी चाहिए। साधु यानी सज्जन पुरुष ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट, माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बलाए। हमें यहाँ पे क्या समझाया गया है कि लालच जो है वो एक बुरी बलाए, लालच यानी लोभ। अब माखी यानी हमें पता है मक्खी, मक्खी जो है वो गुड़ के ऊपर बैठती है और उसकी वजह से उसके जो पैर जो है वो गुड़ के अंदर जकड़ा जाते हैं, जिससे वो उड़ नहीं पाती है और उसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो यहाँ हमें क्या किया गया कि हमें ज़्यादा की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, लालच बुरी बला है। अब यहाँ पे हमें बताया है जैसे कि मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है और उसके पंख गुड़ में चिपक जाते हैं, फिर वह हाथ मलती और सिर धुंधती रह जाती यानी पछताती है, तो उसे छुटकारा नहीं मिलता। सचमुच लालच बहुत बुरी बला, बला यानी आफत है। अब आपको यहाँ पे पता लग गया बला यानी आफत और लालच यानी लोभ, माखी यानी मक्खी। ये हमारे तीन कबीर के जो दोहे हैं वो आज हमने पढ़े हैं। आई होप आप उसे अच्छे से समझ पाए होंगे। डोंट फॉरगेट टू प्रेस लाइक बटन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।